नाथ, दाल में जरूर कुछ काला है, आप ठगे गए हो। किंजल्क पक्षी की बात बिल्कुल असंभव है। मुझे लगता है ये कारस्तान राजमंत्री का होगा। उसका पुत्र कडारपिंग महाव्यभिचारी है। उसने मुझे एक दिन मंदिर जाते समय देख लिया था। मैं उसकी पाप भरी दृष्टि को उसी समय पहचान गई थी। कडारपिंग प्रियंग सुंदरी को अपना इस प्रकार स्वागत करते देखकर बहुत खुश हुआ। खुशी में आकर प्रियंग सुंदरी के इशारे के साथ ही जैसे ही वह पलंग पर बैठा कि धड़ाम से नीचे जा गिरा, तब वहाँ की भीषण दुर्गंध ने उसकी नाक में प्रवेश किया। इसके बाद उसने कडारपिंग के हाथ पांव बांधकर और उसे एक लोहे के पिंजरे में बंद कर राजा के सामने उपस्थित किया। पश्चात कुबेर दत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह आपका मंगाया किंजल का पक्षी उपस्थित है। जैन डिजिटल पाठशाला। पर स्त्री सेवन कभी नहीं करना। कांपिल्य नामक एक प्रसिद्ध शहर था। उसके राजा का नाम नरसिंह था। नरसिंह बुद्धिमान और धर्मात्मा थे। वे अपने राज्य का पालन नीति के साथ करते थे। राजमंत्री का नाम सुमति था। राजमंत्री को धनश्री नामक स्त्री और कडारपिंग नामक एक पुत्र था। कडारपिंग का चाल चलन अच्छा नहीं था, वह बड़ा कामी था। इसी नगर में एक कुबेरदत्त सेठ रहता था। वह बड़ा धर्मात्मा और पूजा प्रभावना करने वाला था। उसकी स्त्री प्रियंग सुंदरी सरल स्वभाव की और बहुत सुंदर थी। एक दिन कडारपिंग ने प्रियंग सुंदरी को कहीं जाते देख लिया। उसकी रूप मधुरिमा को देखकर उसका मन बेचैन हो उठा। वह जिधर भी देखता उधर ही उसे प्रियंग सुंदरी दिखने लगी। प्रियंग सुंदरी के सिवा इसे और कोई वस्तु अच्छी न लगने लगी। बड़ी कठिनता से उस दिन वह घर पर पहुंच गया। उसे इस तरह बेचैन और भ्रम बुद्धि देखकर इसकी माँ को बड़ी चिंता हुई। उसने पूछा, बेटा कडार, क्यों आज एकाएक तेरी ये दशा हो गई? अभी तो तू घर से अच्छी तरह गया था और थोड़ी ही देर में तेरी ये हालत कैसे हुई? बतला तो, हुआ क्या? कडारपिंग बिना सोचे विचारे ही अपनी माँ से कहने लगा, कुबेर दत्त सेठ की स्त्री को मैं यदि किसी तरह प्राप्त कर सकूं, तो मेरा जीना हो सकता है, उसके सिवा मेरी मृत्यु अवश्यम भावी है। बेचारी माँ पुत्र की यह निर्लज्जता देखकर दंग रह गई। वो इसका कुछ उत्तर न देकर सीधे अपने स्वामी के पास गई और पुत्र की सब हालत उसने कह सुनाई। सुमति एक राजमंत्री था और बुद्धिमान था। वो यदि चाहता तो अपने पुत्र को पाप की ओर से हटाने का प्रयत्न करता, पर उसने उल्टा पाप कार्य का सहायक बनने में अपना हाथ बटाया। सच है, विनाश काल जब आता है तब बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। ठीक यही हाल सुमति का हुआ। वह पुत्र की आशा पूरी करने के लिए एक कपट जाल रचकर राजा के पास गया और बोला, महाराज, रत्न द्वीप में किंजल्क जाति के पक्षी होते हैं। वे जिस शहर में रहते हैं वहां महामारी, दुर्भिक्ष, रोग आदि नहीं होते तथा उस शहर पर शत्रुओं का चक्र नहीं चल पाता और न चोर वगैरह उसे किसी प्रकार की हानि पहुंचा सकते हैं। और महाराज, उनकी प्राप्ति का भी उपाय सहज है। अपने शहर में जो कुबेरदत्त सेठ हैं, उनका प्रायः वहां आना जाना हुआ करता है और वे हैं भी कार्य चतुर, इसलिए उन पक्षियों को लाने की आप उन्हें आज्ञा कीजिए। अपने राजमंत्री की एक अभूतपूर्व बात सुनकर राजा तो पक्षियों को मांगने को आकुलित हो उठे। उन्होंने उसी समय कुबेर दत्त को बुलवाया और सब बात समझाकर उसे रत्नद्वीप जाने को कहा। बेचारा कुबेर दत्त इस कपट जाल को कुछ न समझ सका। वह राजा की आज्ञा पाकर घर पर आया और रत्नद्वीप जाने का हाल उसने अपनी विदुषी पत्नी से कहा। यह कथन सुनते ही प्रियंग सुंदरी के मन में कुछ खटका पैदा हुआ। उसने कहा, नाथ, दाल में जरूर कुछ काला है, आप ठगे गए हो। किंजल्क पक्षी की बात बिल्कुल असंभव है। भला कहीं पक्षियों का भी ऐसा प्रभाव हुआ है? तब क्या रत्नद्वीप में कोई मरता ही ना होगा? बिल्कुल झूठ। अपने राजा सरल स्वभाव के हैं, सो जान पड़ता है वे भी किसी के चक्र में आ गए हैं। मुझे लगता है ये कारस्तान राजमंत्री का होगा। उसका पुत्र कडारपिंग महाव्यभिचारी है। उसने मुझे एक दिन मंदिर जाते समय देख लिया था।
मैं उसकी पाप भरी दृष्टि को उसी समय पहचान गई थी। अब तो मुझे पूरा विश्वास हुआ है कि इस षड्यंत्र के रचने से मंत्री महाशय की मंशा बहुत बुरी है। उन्होंने अपने पुत्र की आशा पूरी करने हेतु ये षड्यंत्र रचकर आपको विदेश भेजना चाहा है। इसलिए अब आप ये करें कि यहाँ से तो आप रवाना हो जाएं, जिससे कि किसी को संदेह ना हो, और रात होते ही जहाज को आगे जाने देकर आप वापस लौट आइए। फिर देखिए क्या गुल खिलता है। यदि मेरा अनुमान ठीक निकले तब तो फिर आपके जाने की कोई आवश्यकता नहीं, और नहीं तो 10-15 दिन बाद चले जाइएगा। प्रियंग सुंदरी की बुद्धिमानी देखकर कुबेर दत्त बहुत खुश हुआ। उसने उसके कहे अनुसार ही किया। जहाज रवाना हो गया। जब रात हुई तब कुबेर दत्त चुपचाप घर पर आकर छुपा रहा। जब यह खबर कड़ार पिंग के कानों में पहुंची कि कुबेर दत्त रत्न द्वीप के लिए रवाना हो गया तो उसकी प्रसन्नता का कुछ ठिकाना न रहा। प्रियंग सुंदरी के रूप का भूखा और काम से उन्मत्त वह पापी कड़ार पिंग बड़ी आशा और उत्सुकता से कुबेर दत्त के घर पर आया। प्रियंग सुंदरी ने इसके पहले ही उसके स्वागत की तैयारी के लिए पाखाना जाने के कमरे को साफ सुथरा करवा कर और उसमें बिना निवार का एक पलंग बिछवा कर उस पर एक चादर डलवा दी थी। जैसे ही मंद मंद मुस्कुराते हुए कुंवर कड़ार पिंग आए, उन्हें प्रियंग सुंदरी उस कमरे में ले गई और पलंग पर बैठने का इशारा करने लगी। कड़ार पिंग प्रियंग सुंदरी को अपना इस प्रकार स्वागत करते देख कर बहुत खुश हुआ। खुशी में आकर प्रियंग सुंदरी के इशारे के साथ ही जैसे ही वह पलंग पर बैठा कि धड़ाम से नीचे जा गिरा। तब वहां की भीषण दुर्गंध ने उसकी नाक में प्रवेश किया। तब उसे भान हुआ कि मैं कैसे अच्छे स्थान पर आया हूँ। वह अपनी करनी पर बहुत पछताया। उसने बहुत आरजू मिन्नत की पर प्रियंग सुंदरी ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। नारकी जैसे नरकों में पड़कर दुख उठाते हैं, ठीक वैसे ही एक राजमंत्री का पुत्र अपनी सब मान मर्यादा छोड़कर अपने कर्मों का फल आज पाखाने में पड़ा पड़ा भोग रहा है। इस तरह कष्ट उठाते उठाते पूरे 6 महीने बीत गए। इतने में कुबेर दत्त का जहाज भी रत्नद्वीप लौट आया। जहाज का आना सुनकर सारे शहर में इस बात का शोर मच गया कि सेठ कुबेर दत्त किंजल्क पक्षी ले आए हैं। इधर कुबेर दत्त ने कड़ार पिंग को बाहर निकालकर उसे अनेक प्रकार के पक्षियों के पंखों से खूब सजाया और काला मुंह करके उसे एक विचित्र ही जीव बना दिया। इसके बाद उसने कड़ार पिंग के हाथ पांव बांधकर और उसे एक लोहे के पिंजरे में बंद कर राजा के सामने उपस्थित किया। पश्चात कुबेर दत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह आपका मंगाया किंजल पक्षी उपस्थित है। उसके बाद कुबेर दत्त ने राजा से यथार्थ हाल कह दिया। सच्चा हाल जानकर राजा को मंत्री पुत्र पर बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने उसी समय उसे गधे पर बैठाकर सारे शहर में घुमा फिराकर उसके मार डालने की आज्ञा दे दी। कड़ार पिंग को अपनी करनी का फल मिल गया। वह बड़े खोटे परिणामों से मरकर नरक गया। देखा बच्चों, पर स्त्री में आसक्त पुरुष की दुर्गति कैसे होती है। इसके विपरीत जो भव्य पुरुष ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं वे पद पद पर आदर सत्कार के पात्र होते हैं। पर स्त्री की तरफ बुरी नजर से देखना भी महापाप है। इससे नियम से नरक गति मिलती है। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।